जनहित याचिका पर टिप्पणी। देखिए, जनहित याचिका क्या है, कैसे इसके वर्क हैं, क्या है, ये मैं आपको आज इस लेक्चर के माध्यम से डिस्क्राइब करूँगा। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चर्चा करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है, जनहित याचिका पर टिप्पणी। देखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। देखिए लाइन है कुछ इंपॉर्टेंट, सर्वजन हिताय की कल्पना को साकार करने वाली जनता के हित की याचिका जनहित याचिका कहलाती है। 1970 के दशक में पीएन भगवती के द्वारा स्थापित किया गया। देखिए एक और परिभाषा क्या होती है, जनहित याचिका निःशक्त जन न्यायिक प्रक्रिया से अनभिक्ष और समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए किसी व्यक्ति या समुदाय के पक्ष में जो याचिका दायर की जाती है वह जनहित याचिका कहलाती है, जो सन 1970 में सर्वोच्च न्यायालय के एक उत्पाद के रूप में कार्यरत है। जनहित याचिका बाल श्रमिक, बंधुआ मजदूर, महिला उत्पीड़न, पर्यावरण प्रदूषण, जल संरक्षण, निःशक्तजन व्यक्तियों के हित तथा अन्य ऐसे आधारों या विषय जिनमें समुदाय का हित नहीं थे, जैसे वर्तमान में रहवासी क्षेत्रों से शराबों की दुकानों को घटाना आदि, सभी याचिकाएं जनहित याचिका कहलाती। जनहित याचिका से समुदाय कल्याण, वंचित वर्गों को न्याय तथा ऐसे व्यक्ति जो किसी पारिस्थितिकरण न्यायालय नहीं पहुंच सकते उन सभी को लाभान्वित करती है। यह एक मितव्ययी साधन तथा न्यायालय के सरल माध्यम के रूप में विकसित हुई है। वह कभी कभी यह याचिकाएं आवश्यक विषयों पर भी दायर कर दी जाती हैं, जिसमें समाज के हित के साथ ही न्यायालय का समक्ष भी बर्बाद होता है, न्यायालय का समक्ष। जनहित याचिका न्याय के मंदिर के प्रति नागरिकों की सच्ची आस्था और न्याय की आशा को पूर्ण करने वाली साबित हुई है, जिससे लोक कल्याण निहित हैं जो वर्तमान तक प्रभावी हैं। जैसे इंदौर डीपीएस बसों का मामला, एससी एसटी एक्ट के प्रावधानों का परिवर्तन करना। देखिए जनहित याचिका पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट और विशेषताएँ क्या है। देखिए पहला, जनहित में बात वापस नहीं किया लाया जा सकता, अनौपचारिकता का अभाव, केवल पोस्टगार के माध्यम से न्यायालय की सक्रियता, वकील की जरूरत नहीं। फिफ्थ है, कानून के बजाय सामाजिक अधिक हैं, न्याय को प्राथमिकता, तकनीकी गुण। जनहित याचिकाओं के द्वारा प्रॉफिट आप ले देगी, देश के सतर्क नागरिकों द्वारा मितव्ययी न्याय प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी याचिका दायर करने के लिए सांकेतिक फीस निर्धारित है। बड़े पैमानों पर जनहित की रक्षा से राज्य को उत्तरदायी बनाने में सहायता, मानवाधिकार, संवैधानिक, विधिक तथा मूल अधिकारों की रक्षा, लोक नीतियों के निर्धारण तथा क्रियान्वयन में राज्य को निर्देशन। ठीक है फ्रेंड, देखिए अपना जो टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है, 1 पॉइंट यूनिट जो थी, अगला जो अपना लेक्चर रहेगा 1.6 यूनिट, विकेंद्रीकरण एवं लोकतांत्रिक शासन में जन भागीदारी, स्थानीय शासन, संविधान के 73वें 74वें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।